आज बताइए किस चीज़ का वर्कआउट करने जा रहे हैं? आज चेस्ट बेंच प्रेस। चेस्ट का करने जा रहे हैं ना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके व्लॉग्स एंड रिव्यू। तो आज के मेरे इस व्लॉग में आपको दो एक्सरसाइज के कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे, जो है चेस्ट वर्कआउट एंड बाइसेप वर्कआउट। तो सबसे पहले चेस्ट वर्कआउट शुरू करते हैं। ये हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं। ये पहले बहुत ही अच्छी फिजिक थी इनकी, और इन्होंने कम से कम 8-10 साल जिम छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया है। काफ़ी वेट हो गया था इनका और इन्होंने 2 महीने में बहुत ही कम किया है, और बहुत ही मेहनती इंसान। इनका टारगेट वही है, पुरानी वाली जो फिजिक थी वो पाना। तो इनसे हम सीखते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले बताया कि बेंच पे लेट के बारबेल की मदद से जो है बेंच प्रेस करिए। तो ये हमारे दोस्त भी हैं, और जिम करने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब से भी स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने भी 3-4 महीने से स्टार्ट किया है, और देखिए हमारे साथी हैं जो जिम में सब एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। ये सभी दोस्त हैं मेरे, और बहुत ही अच्छी बात है कि एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी की बॉडी या नॉल जैसी हो, फिट रहने के लिए जो एक्सरसाइज ज़रूरी है वो कोई भी कर सकता है। कोई अगर जवान है, बूढ़ा है, कोई योगा करता है, कोई दौड़ने जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो वर्कआउट ज़रूरी है। आज की जो ज़िंदगी है, बिजी है लाइफ में आदमी बहुत, उसके लिहाज से एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि वो जब बारबेल प्रेस होने के बाद बेंच पे बेंच अपर बेंच करके उसके बाद डंबल के सहारे ये एक्सरसाइज करिए, डंबल अपर बेंच प्रेस। ये देखिए वीडियो में। मुझे भी बहुत तजुर्बा नहीं है, ये है कि जब से ये जिम स्टार्ट हुआ है 4 महीने हुए होंगे, 4-5 महीने से जो है एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। और ये तो हमारे साथ में दोस्त हैं, 3 महीने से 2.5-3 महीने से हमारे साथ में लगभग जो एक्सरसाइज करते हुए। ये देखिए ये चेस्ट की वर्कआउट है। उसके बाद दोनों डंबलों को जोड़कर और बिल्कुल सीधा उठाना है। देखिए वीडियो में, ये चेस्ट की है। आप गर्दन को बेंच पे सीधा रख सकते हैं या उठा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर ये देखिए जो करने का सही तरीका है, डंबलों को सीधा उठाना है। उसके बाद दो डंबल लेके जो आप अपने वेट के अनुसार दोनों डंबलों को इस तरीके से सीधा ले जाकर खोलना है, जिससे चेस्ट पे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो इस तरीके से। ये भी चेस्ट को जो चौड़ा करने की एक्सरसाइज होती है वो है, ये भी चेस्ट की एक्सरसाइज है। ये देखिए एक्सरसाइज में केबल मशीन से ऊपर की तरफ सेट करना होता है केबल्स को, और इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ खींचना होता है जिससे चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट हो। इस एक्सरसाइज में आपको मशीन में जो सेटिंग है वो नीचे करनी पड़ेगी, और नीचे से ऊपर की तरफ ये इस तरीके से खींचना होगा। ये देखिए, ये भी चेस्ट की एक्सरसाइज है जो कि केबल मशीन से ही हो पाएगी। तो आपके जिम में ये मशीन है तभी आप कर पाएंगे, घर पे अगर ये नहीं है तो ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। ये देखिए बेंच एक्सरसाइज, इसमें जो है आप बेंच पे लेट जाइए और बेंच को अपर साइड में रखकर दोनों केबल्स को ये इस प्रकार से खींचिए ताकि चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट हो। और अब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, चेस्ट वर्कआउट लगभग पूरा हो चुका है। सभी एक्सरसाइज इस वीडियो में दिखाना संभव नहीं है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद टाइम बचता है तो थोड़ा बाइसेप की एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये देखिए, आप बेंच पे सीधे बैठकर उनके हाथ से, मुझे तो वीडियो बनाना था तो मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, वरना आप दो हाथों से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों में डंबल पकड़ कर उसके बाद हमर कर्ल, ये भी जो है बाइसेप्स की जो है एक्सरसाइज है।
उसको भी आप दोनों हाथ में डंबल पकड़ कर एक साथ भी उठा सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है एक हाथ से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप हमर कर्ल कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरी एक्सरसाइज, बाइसेप्स की बहुत सारी एक्सरसाइज। चेस्ट और डंबल की कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैंने अपने इस ब्लॉग में दिखाया है। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एसके ब्लॉग्स एंड रिव्यू को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमर कर्ल है ये बेंच पर बैठकर, बिल्कुल सीधा बैठकर दोनों हाथों में डंबल लेकर एक साथ उठाना है। ये भी हमर कर्ल है, ये बाइसेप्स की पीक के लिए होता है। और ये डंबल एक्सरसाइज है, ये आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो मेरे अपने वीडियो हैं, मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया है। ये मेरी वो फ़ोटो है जब मैंने जिम में अब से कम 4 महीने हो गए होंगे स्टार्ट किया था जिम, और उसके बाद ये लेटेस्ट फ़ोटो है मेरी, आप देखिए। और मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एस के ब्लॉग्स एंड रिव्यू को सब्सक्राइब करिए। मैं फिटनेस वीडियोस भी डालता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो, उनको भी शेयर करिए। थैंक्स।